आखिरकार केंद्र सरकार को किसानों के सामने झुकना ही पड़ा। यह जीत है लोकतंत्र की, यह जीत है सत्याग्रह की, यह जीत है किसानों की, यह जीत है पूरे भारत की जनता की। मैं कहना चाहूंगी कि केंद्र सरकार को भी देर आए पर दुरुस्त आए। कल तक जो किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही, झूठे किसान बोला करते थे, आखिरकार उन्हें ये मानना पड़ा कि किसान आंदोलन सही है और किसानों की मांग भी सही है। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है किसानों को, पर सत्याग्रह में कितनी ताकत है, लोकतंत्र में कितनी ताकत है, यह आज फिर साबित हो चुका है। केंद्र सरकार के द्वारा किसान आंदोलन को बदनाम करने की काफ़ी कोशिश की गई, कई साजिश रचे गए, पर अंततः किसानों की जीत हुई है। कहते हैं ना, साँच को आँच क्यों। मैं किसान नेताओं, आंदोलनकारी सभी किसानों, जिन विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, उन सभी को धन्यवाद देती और बधाई देती। सबसे पहले मैं भारतीय किसान भाइयों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। लंबी लड़ाई के बाद आज उन्हें ये जीत हासिल हुई। ये सिर्फ उनकी ही जीत नहीं, ये पूरे लोकतंत्र की जीत है, ये सत्याग्रह की जीत है, ये सत्य की जीत है। केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी कोशिश की गई कि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, कई षड्यंत्र भी किए गए, लेकिन कहते हैं ना, साँच को आँच नहीं। तो अंततः सत्य की जीत हुई और केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अभी के समय में जब लोकतंत्र को कुचलने की काफ़ी कोशिश की जा रही है, ऐसे में ये जीत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर किसानों के हौसले को, उनके जज्बों को सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं खुद गई थी बॉर्डर पे और मैंने देखा था कि किस तरह से वो सड़क पे बैठे हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि वहाँ स्थानीय लोग परेशान हैं, बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका साथ दिया, कभी उनसे नाराज़गी जाहिर नहीं की। तो मैं वहाँ के स्थानीय लोगों को भी, जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से परेशानी झेली है, उनको भी मैं आज बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद और पूरे भारतीय जनता को, जो भारतीय जनमानस है, और लोकतंत्र की जीत आज हुई है, उसके लिए फिर से बधाई देती हूँ।